गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम आगे चलें तो हमने लास्ट वीडियो में एस्मोक एलिमेंट का जैविक महत्व और साथ में उनके पास में सोडियम पोटेशियम पंप है उसका हमने डिटेल से अध्ययन किया था। आज का टॉपिक है हाइड्राइड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। हाइड्राइड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट यानी कि एस खंड के तत्वों के हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं, ये आपके पास में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम है। अगर आपके पास में हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो आपके पास में हाइड्रोनियम आयन बनता है, ठीक है। अगर आपके पास में यह है एच, जो हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, उसे हम कहते हैं हाइड्राइड। जैसे आपके पास में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो आपके पास क्या होता है, हाइड्राइड। अब आपके पास में क्षार धातु का हाइड्राइड कैसे बनेगा, हम जानते हैं कि क्षार धातुओं की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी एस ब्लॉक एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हाइड्रोजन से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन को हम जो पहला वर्ग है क्षार, क्षार धातु, उसके साथ में और 17वां वर्ग है हैलोजन है उसके साथ में, दोनों के साथ में रखते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आपके पास में क्षारीय धातु और क्षारीय मृद धातु हैं उन दोनों से अधिक होती है, अर्थात हम कह सकते हैं हाइड्रोजन अपने से कम विद्युत ऋणी परमाणु या धातु या अधातु के साथ सीधे संयोग कर या परोक्ष विधि के द्वारा, सीधे संयोग कर या परोक्ष विधि के द्वारा जो यौगिक बनाता है, जो द्वि अंगी यौगिक बनाता है उसे हम कहते हैं हाइड्राइड। उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड कहते हैं। चार धातुओं के हाइड्राइड को हम एम एच के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, चार धातुओं के हाइड्राइड को हम एम एच के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एम का मतलब धातु, एच का मतलब हाइड्राइड। चार ये मृदा धातुओं के हाइड्राइड को हम एम एच टू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। चार धातुओं के हाइड्राइड देखें एन एच, के एच, एल आई एच, ठीक है। और क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्राइड एन जी एस टू, कैल्शियम एस टू, बेरेलियम एस टू, ठीक है। और इसी के साथ में आपके पास में आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन परिभाषा, हाइड्रोजन अपने से कम विद्युत ऋणी धातु या अधातु के साथ, धातु और अधातु के साथ सीधे या परोक्ष विधि से, परोक्ष विधि से संयोग कर, परोक्ष विधि से संयोग कर, परोक्ष विधि से संयोग कर द्वि अंगी यौगिकों का, द्वि अंगी यौगिकों का निर्माण करता है, द्वि अंगी यौगिकों का निर्माण करता है, द्वि अंगी यौगिकों का निर्माण करता है जिसे, जिसे हाइड्राइड कहते हैं, जिसे हाइड्राइड कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्षार धातु एवं क्षारीय, क्षारीय मृदा धातुओं के साथ, धातुओं के साथ संयोग कर, संयोग कर इनके हाइड्राइडों का,
इनके हाइड्राइडों का, इनके हाइड्राइडों का निर्माण करते हैं, इनके हाइड्राइडों का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्षार धातुओं के हाइड्राइड को, क्षार धातुओं के हाइड्राइड को MH अणु सूत्र के द्वारा, MH अणु सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। क्षार धातुओं के, क्षार धातुओं के हाइड्राइड निम्न हैं, जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, ईटीसी। लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड। कहने का मतलब, हाइड्राइड का मतलब ये है कि हाइड्रोजन परमाणु अपने से कम विद्युत ऋणी धातु या अधातु के साथ सीधे संयोग कर या प्रोक्स या आपके पास में अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा संयोग कर जो द्विअंगी यौगिकों का फॉर्मेशन करता है, द्विअंगी यौगिक बनाता है, उसे हम कहते हैं हाइड्राइड। मुख्य रूप से जो हाइड्राइड हैं वो के पास में हम एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं, तो एस ब्लॉक एलिमेंट में क्षार धातु के जो हाइड्राइड हैं उन्हें हम एम एच बंध के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और क्षार ये मृदा धातुओं के जो हाइड्राइड हैं उन्हें हम एम एच टू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है क्षारीय मृदा धातुओं के, क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्राइडों को, हाइड्राइडों को MH2 अणु सूत्र के द्वारा, अणु सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, MH2 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्राइड निम्न हैं, जैसे बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, इसको हम हाइड्रोलिथ भी कहते हैं, इसका नाम क्या है, हाइड्रोलिथ भी कहते हैं। बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड, ईटीसी। ठीक है, ये आपके पास में हो गया है हाइड्राइड, इनको नोट करो। हाइड्राइड का मतलब H प्लस आयन, यानी जिसमें हाइड्रोजन H माइनस आयन के रूप में रहता है, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से कम होती है, वो कंपाउंड आपके पास क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। इन सभी को नोट करो। फिर आगे हम हाइड्राइड के जो प्रकार हैं, हाइड्राइड के प्रकार की तरफ बढ़ेंगे। इसके चार प्रकार होते हैं, और फिर किस प्रकार हाइड्राइड को बनाते हैं, इनकी रासायनिक विधियाँ क्या हैं, इनकी संरचना क्या है, उनको हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। इनको नोट करो। क्षारीय मृदा धातुओं के जो हाइड्राइड हैं उन्हें हम MH2 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, MH2। क्षारीय मृदा धातुओं के जो हाइड्राइड हैं, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड। ठीक है, आगे है हाइड्राइड के प्रकार। हाइड्राइड के प्रकार चार प्रकार होते हैं, जिनका आपके पास में केवल नाम ही लिखना है, उनके बारे में आपको लिखना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आपके पास में आता है कि जो हाइड्राइड है, हाइड्राइड क्या है, उसके ऊपर टिप्पणी लिखो। ठीक है, तो आगे है
हाइड्राइड बंध के प्रकार एवं हाइड्राइड बंध के प्रकार एवं गुणों के आधार पर हाइड्राइड बंध के प्रकार एवं गुणों के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। पहला आपके पास में है लवण तुल्य हाइड्राइड। दूसरा है सहसंयोजक हाइड्राइड। और तीसरा है धात्विक हाइड्राइड। और चौथा है बहुलकीय हाइड्राइड। लवण तुल्य हाइड्राइड, सहसंयोजक हाइड्राइड, धात्विक हाइड्राइड और बहुलकीय हाइड्राइड। ठीक है, अब आपके पास में है हम हाइड्राइड को किस प्रकार बनाते हैं। हाइड्राइड यानी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड बंध के प्रकार यानी आपके पास में बॉन्ड के प्रकार और आपके पास में गुणों के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, लवण तुल्य, सहसंयोजक, धात्विक और बहुलकीय। इन्हें केवल इनका नाम ही लिखना है, इनके बारे में वर्णन नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। आपके पास में हाइड्राइड है, उनका निर्माण कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड बनाने की विधियाँ, मेथड ऑफ हाइड्राइड फॉर्मेशन। इन हाइड्राइड फॉर्मेशन बनाने की जो आपके पास में विधियां हैं वो कौन कौन सी विधि है। पहली विधि देखो आपके पास में, पहला आपके पास में क्या है, यदि हम लीथियम की अभिक्रिया H2 के साथ में 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कर दें। लीथियम की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे की जाती है तो लीथियम हाइड्राइड का निर्माण होता है। लीथियम हाइड्राइड यदि आपके पास में लीथियम की अभिक्रिया H2 के साथ में 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे की जाती है तो लीथियम हाइड्राइड का निर्माण होता है। ठीक है, LiH ही होगा तो आपके पास में यहाँ पे दो ले लेंगे, लीथियम हाइड्राइड। दूसरा है यदि सोडियम हाइड्राइड या पोटेशियम हाइड्राइड, यानी आपके पास में सोडियम और पोटेशियम हाइड्राइड का निर्माण करना हो, सोडियम हाइड्राइड 2NaH, सोडियम हाइड्राइड और इसी में आपके पास में दूसरा हम देखें K+H2 और वो आपके पास में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर KH पोटेशियम हाइड्राइड, यानी कि सोडियम की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर की जाती है तो सोडियम हाइड्राइड का निर्माण होता है। तथा पोटेशियम के साथ में अगर वही आपके पास में दोनों में सेम रिएक्शन है, इन दोनों में आपके पास में टेम्परेचर है वो कितना होगा, 400 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर आपके पास में तीसरा है कैल्शियम की अभिक्रिया हाइड्राइड के साथ में हाइड्रोजन के साथ में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर की जाती है तो कैल्शियम हाइड्राइड का निर्माण होता है जिसको हम हाइड्रोलिथ भी कहते हैं।
ठीक है। फिर आपके पास में लिथियम नाइट्राइड की अभिक्रिया अगर आप हाइड्रोजन कर दें। चौथा आपके पास में है लिथियम नाइट्राइड की अभिक्रिया, लिथियम नाइट्राइड की अभिक्रिया H2 के साथ की जाती है तो लिथियम हाइड्राइड का निर्माण होता है। लिथियम नाइट्राइड की अभिक्रिया यदि हम H2 के साथ में कर देंगे तो लिथियम हाइड्राइड का निर्माण होता है। Li3N+H2 और आपके पास में क्या बनेगा, लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, और साथ में आपके पास में क्या होगी, N2 गैस यहाँ से बाहर निकलेगी और 6 LiH, तो यहाँ पे अपन 3 लगा लेंगे, 3H2 लिथियम हाइड्राइड और N2 का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। इनको नोट करो। यहाँ के पास में 4-5 मेथड हैं, बिल्कुल इजी मेथड हैं, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम के लिए आपके पास में 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए 400 डिग्री, कैल्शियम जो हाइड्रोलिथ है उसको बनाने के लिए हमारे पास में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और लिथियम नाइट्राइड की अभिक्रिया हम H2 के साथ में करते हैं तो आपके पास में लिथियम हाइड्राइड और N2 गैसों पर मुक्त होती है। इसी के साथ में हाइड्राइड के विभिन्न गुणधर्म, अधिकांश हाइड्राइड क्रिस्टलीय ठोस प्रकृति के होते हैं। आपके पास में हाइड्राइड हैं वो कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस प्रकृति के होते हैं, इनका गलनांक अधिक होता है। ठीक है, क्षार धातु हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, यानी क्षार धातु के जो हाइड्राइड हैं, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड की क्रिस्टल संरचना है वो NaCl जैसे, यानी FCC के अकॉर्डिंग होती है, NaCl जैसे FCC के अकॉर्डिंग होती है। जबकि आपके पास में क्षारीय मृत धातु के हाइड्राइड हैं जैसे हाइड्रोलिथ है, उसकी आकृति है वो विकृत HCP हेक्सा, यानी पास में HCP के द्वारा अनुसार होती है। तो देखो नेक्स्ट आपके पास में है हाइड्राइड के विभिन्न गुणधर्म। हाइड्राइड के विभिन्न गुणधर्म, सबसे पहला गुण क्या है इसमें, देखो हाइड्राइड का जो सबसे पहला गुण है, अधिकांश हाइड्राइड क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। दूसरा, इनका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, ये आयनिक प्रकृति के भी होते हैं, क्षार धातुओं के हाइड्राइड, क्षार धातुओं के हाइड्राइड जैसे लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड और सोडियम हाइड्राइड की क्रिस्टलीय संरचना NaCl समान
एफसीसी जैसी होती है, एफसीसी जैसी होती है। चौथा आपके पास में है क्षारीय मृदा धातुओं के, क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्राइड, क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्राइड जैसे कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड की संरचना, की क्रिस्टलीय संरचना, क्रिस्टलीय संरचना विकृत HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के समान होती है, के समान होती है। ठीक है, यानी कि अधिकांश हाइड्राइड हैं वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनका गलनांक ऊंचा होता है। चार धातुओं के हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड है, पोटेशियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, उनकी क्रिस्टलीय समान आपके पास में NaCl FCC जैसी होती है। क्षारीय मृदा धातुओं की जैसे आपके पास में कैल्शियम हाइड्राइड है, उसकी संरचना HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अनुसार होती है। ठीक है, एस ब्लॉक के जो हाइड्राइड हैं वो प्रबल अपचायक की भांति कार्य करते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट के हाइड्राइड, के हाइड्राइड प्रबल अपचायक की भांति, प्रबल अपचायक होते हैं जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड। ठीक है, क्षार धातु हाइड्राइड हैं वो आयनिक प्रकृति के होते हैं, क्षार धातुओं के हाइड्राइड आयनिक प्रकृति के होते हैं, आयनिक प्रकृति के होते हैं। MH M+ H- आयनिक प्रकृति के होते हैं। ये आपके पास में कैथोड पे मुक्त होते हैं, कैथोड कैसा नेगेटिव होता है, एनोड कैसा होता है पॉजिटिव। कैथोड पे आपके पास में धातु और जो एनोड है उस पे हाइड्रेट आयन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। या हम कहें M+, ठीक है, यदि कोई धातु आपके पास में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो आपके पास में वो मेटल का निर्माण कर लेगी, और हाइड्राइड H- H+ इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं 2H इन सबको नोट करो, इनके जो गुणधर्म हैं, फिर आपके पास में इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं हम उनका अध्ययन करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज का। अधिकांश हाइड्राइड क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, यानी पास में इनकी संरचना है वो क्रिस्टल के अकॉर्डिंग होती है, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये। ठीक है, इनका गलनांक उच्च होता है, जो भी आपके पास में क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक उच्च होता है। चार धातुओं के हाइड्राइड जैसे लिथियम हाइड्राइड है, पोटेशियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, इसकी जो क्रिस्टलीय संरचना है वो आपके पास में FCC के अकॉर्डिंग होती है। क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्राइड जैसे आपके पास में हाइड्रोलिथ है, कैल्शियम हाइड्राइड है, उसकी संरचना HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अकॉर्डिंग होती है। एस ब्लॉक एलिमेंट के हाइड्राइड हैं वो प्रबल अपचायक होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड। चार धातु के जो हाइड्राइड हैं वो आयनिक प्रकृति के होते हैं, जो आपके पास में M+ H-। ठीक है, जो आपके पास में धातु है इसका अगर वैध उपघटन करेंगे तो आपके पास में ये कैथोड पे प्राप्त होगी, जो हाइड्राइड है वो एनोड पे प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं हाइड्राइड है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, आगे आपके पास में है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड।
केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड के रासायनिक गुणधर्म। और पहला आपके पास में है जल के साथ में अभिक्रिया, रिएक्शन विथ H2O, जल के साथ में अभिक्रिया। आपके पास में जो हाइड्राइड है S ब्लॉक एलिमेंट के जो हाइड्राइड हैं वो जल के साथ में क्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। S ब्लॉक एलिमेंट्स के हाइड्राइड जल के साथ क्रिया करके इनके हाइड्रोक्साइडों का निर्माण करते हैं, इनके हाइड्रोक्साइडों का निर्माण करते हैं। जैसे आपके पास में लिथियम हाइड्राइड हो या आपके पास में जल का अणु है तो लिथियम हाइड्राइड LiOH, और यहाँ से आपके पास में क्या होगी साथ में H2 गैस क्या होती है मुक्त होती है, और यहाँ से आपके पास में क्या होगी H2 गैस मुक्त होगी लिथियम हाइड्राइड की अभिक्रिया जल के साथ में की जाती है लिथियम हाइड्रोक्साइड, यानी के पास में H2 का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम हाइड्राइड की अभिक्रिया यानी हाइड्रोलिथ, आपके पास में कई बार क्वेश्चन भी आया है, यदि पास में हाइड्रोलिथ का या हाइड्रोलिथ को आपके पास में जल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोलिथ के आपके पास में जल के साथ में रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 और आपके पास में H2 गैस का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, ऑक्सीजन आपके पास में कितने हैं 2 हैं तो यहाँ हम 2 लगा लेंगे, हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, 2 और 2 4, ऑक्सीजन के पास में बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है AlCl3 के साथ में अभिक्रिया, दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विथ AlCl3 AlCl3 के साथ में अभिक्रिया। लिथियम हाइड्राइड की अभिक्रिया AlCl3 के साथ की जाती है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का निर्माण होता है जिसका उपयोग कार्बोनिल यौगिकों के
अपचयन में कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन में किया जाता है, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन में किया जाता है, यानी कि लिथियम हाइड्राइड की अभिक्रिया AlCl3 के साथ में की जाती है। तो आपके पास में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का निर्माण होता है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसका उपयोग कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन में किया जाता है। और चार हाइड्रोजन हो गए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसका उपयोग कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन में किया जाता है, यानी कि आपके पास में ये कार्बोनिल यौगिक है। कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में कर देंगे, तो आपके पास में जो सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे आप लगा देंगे OH या CH, यानी पास में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया HOH। यानी पास में जो कीटोन है, यानी पास में जो कार्बन कंपाउंड है, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, उसका अपचयन हो जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास में BCl3 है, BCl3 की अभिक्रिया, जैसे BCl3 की अभिक्रिया पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करेंगे, तो आपके पास में डाइबोरेन का निर्माण होता है, B2H6 का फॉर्मेशन हो जाता है। PCl3 का करेंगे, PCl3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड PH3 का फॉस्फिन का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसका मुख्य कार्य होता है कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन, जैसे आपके पास में है SiCl4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड SiH4, जिसको अपन सिलेन भी कहते हैं, इसको नोट करो, फिर हम इसको दोबारा समझते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम की अभिक्रिया लिथियम हाइड्राइड की अभिक्रिया AlCl3 के साथ में की जाती है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का निर्माण होता है, जो कि एक प्रबल अपचायक होता है, जिसका उपयोग कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन में किया जाता है। लिथियम हाइड्राइड AlCl3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और तीन आपके पास में LiCl के अणु बनते हैं। आपके पास में क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, इसको आपके पास में AH या OH का फॉर्मेशन कर देता है, एल्कोहल बन जाता है। BCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करेंगे, तो डाइबोरेन का फॉर्मेशन होगा। PCl3 होगा तो आपके पास में फॉस्फिन बन जाएगा। SiCl4 होगा, सिलिकन टेट्रा क्लोराइड होगा, तो आपके पास में सिलिकन टेट्रा हाइड्राइड, जिसको अपन सिलेन भी कहते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके स्थायित्व की, या लीथ रिएक्शन विद H2SO4। तीसरी अभिक्रिया है रिएक्शन विद H2S। H2SO4 लिथियम हाइड्राइड की अभिक्रिया H2SO4 के साथ में की जाती है, तो आपके पास में Li2SO4 प्लस जल प्लस H2S, यानी लिथियम हाइड्राइड की अभिक्रिया H2SO4 के साथ में की जाएगी, तो आपके पास में लिथियम सल्फेट जल और हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके चार अणु लेंगे, तो आपके पास में यहाँ पे दो लगा लेंगे, सल्फेट और हाइड्रोजन। आपके पास में यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास में कितने हैं,
चार और छः दस, और इसमें हाइड्रोजन आपके पास में दो, यहाँ पे अपन फोर कर लेंगे, फोर एस टू। ऑक्सीजन आपके पास में कितनी है, 12, तो आपके पास में 8 और 4, 12, ठीक है। यानी लिथियम हाइड्राइड की अभिक्रिया, लिथियम हाइड्राइड की अभिक्रिया, आपके पास में सल्फ्यूरिक अम्ल है तो लिथियम सल्फेट जल और H2S का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा आपके पास में अभिक्रिया है Cl2 के साथ में, रिएक्शन विथ Cl2, तो लिथियम हाइड्राइड प्लस Cl2, तो आपके पास में लिथियम क्लोराइड और HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। थर्ड आपके पास में रिएक्शन है, रिएक्शन विथ HCl, रिएक्शन विथ HCl, लिथियम हाइड्राइड प्लस HCl, SiCl4, SiCl4, तो आपके पास में सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड और 4 LiCl का फॉर्मेशन होगा। यानी कि आपके पास में H2SO4 के साथ में रिएक्शन करेंगे तो आपके पास में लिथियम सल्फेट जल और H2S का फॉर्मेशन होगा। अगर आपके पास में लिथियम हाइड्राइड की अभिक्रिया Cl2 से करेंगे, लिथियम क्लोराइड HCl का फॉर्मेशन होगा, और लिथियम हाइड्राइड की अभिक्रिया हम SiCl4 से करेंगे तो आपके पास में सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्षार धातुओं के जो हाइड्राइड हैं उनकी स्टेबिलिटी का क्रम। तो आपके पास में जिसका आकार छोटा होगा, जो हाइड्राइड आपके पास में छोटा होगा, उस हाइड्राइड की जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपके पास में स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, अब बात करते हैं आपके पास में सीजीएम हाइड्राइड, रूबिडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, क्षारीयता का आपके पास में हाइड्राइड का स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम, स्थायित्व का बढ़ता क्रम, आकार का घटता क्रम, आकार का घटता क्रम, जिसका आकार छोटा है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या है, ज्यादा है। अब नेक्स्ट आपके पास में है जो हाइड्राइड है उसकी स्ट्रक्चर, आपके पास में जो ज्ञात हाइड्राइड है यानी बेरिलियम हाइड्राइड है उसकी संरचना हम देखें, उसमें आपके पास में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट होता है सिस्टम, ठीक है। वहाँ पे आपके पास में क्या होगा, आपके पास में बनाना बंद है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है बनाना बैंड बॉन्ड, और उसकी संरचना क्या होती है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है वो भी अपन देख लेते हैं। इसको आप नोट करो, स्ट्रक्चर ऑफ BeS2 बेरिलियम हाइड्राइड, स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड का निर्माण कठिनता से होता है, हाइड्राइड का निर्माण कठिनता से होता है अतः इसका स्थायित्व
अतः यह कम स्थाई होता है, अतः यह कम स्थाई होता है। इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, कम होती है, क्योंकि क्योंकि इसकी बहुलकीय संरचना में, क्योंकि बेरिलियम हाइड्राइड की बहुलकीय संरचना में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पाया जाता है तथा बनाना बंद या बनाना बॉन्ड उपस्थित होता है, बनाना बॉन्ड उपस्थित होता है, यानी कि जो बहुलकीय संरचना है, इस बहुलकीय संरचना में आपके पास में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पाया जाता है, जिसमें आपके पास में क्या होते हैं, बनाना बॉन्ड होता है। जैसे कैसे होता है आपके पास में, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन यानी कि आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या आपके पास में 2 होती है। और अपन बात करें, जैसे इसको हम कहते हैं बनाना बॉन्ड या केला बंद भी कहते हैं। केले बंद के फॉर्मेशन में आपके पास में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पाया जाता है, यानी 3 सेंटर हैं, उनके मध्य आपके पास में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपन हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन कैसा होता है, एक सीओजी होता है, यानी पास में बेरिलियम है, इस बेरिलियम में आपके पास में अगर आपके पास में ये हाइड्रोजन आपके पास में बॉन्डिंग करता है तो बेरिलियम के आपके पास कैसा होता है, द्वि सीओजी होता है। कैसा होता है आपके पास में, द्वि सीओजी, और द्वि सीओजी आपके पास में 2 बॉन्ड आपके पास में यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो केंद्र होगा हाइड्राइड के कारण, जो हाइड्राइड की प्रेजेंस के कारण यहाँ पे आपके पास में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पाया जाता है, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पाए जाने के कारण बेरिलियम हाइड्राइड है, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, कम होती है, उसकी जो फॉर्मेशन है वो भी जटिलता से होता है। ठीक है, ये संरचना है आपके पास में। स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड, ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम इसका थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करते हैं, हमने जो पढ़ा है उसका हल्का सा रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा हाइड्राइड क्या होता है, हाइड्रोजन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगी आपके पास में धातु या अधातु के साथ में सीधे या परोक्ष विधि के द्वारा संयोग कर हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। हाइड्राइड आपके पास में एस बुक एलिमेंट के जो हाइड्राइड हैं, 4 धातुओं के हाइड्राइड को हम एम एच के द्वारा, 4 या मृदा धातुओं के हाइड्राइड को हम एम एच टू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसी के साथ आपके पास में जो 4 धातु के हाइड्राइड हैं, लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, फ्रांसियम हाइड्राइड, ठीक है, और 4 या मृदा धातुओं के जो हाइड्राइड हैं, कैल्शियम हाइड्राइड है आपके पास में, बेरिलियम हाइड्राइड है, मैग्नीशियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड है, ठीक है। इसके बाद में होता है फॉर्मेशन करने के लिए, सबसे पहले आपके पास में लिथियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करने के लिए लिथियम और H2 गैस को हम 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेते हैं और आपके पास में लिथियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी के साथ आपके पास में पोटेशियम और सोडियम का फॉर्मेशन करने के लिए इनके साथ में जो H2 गैस का योग है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। और फिर आपके पास में कैल्शियम हाइड्राइड, आपके पास में जो कैल्शियम हाइड्रोजन का संयोग है जिससे हाइड्रोलिथ बनता है, उसके लिए आपके पास में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसी के साथ में जो लिथियम नाइट्राइड है उसके द्वारा भी हम लिथियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर आपके पास में लिथियम हाइड्राइड हैं वो आपके पास में बॉन्ड और गुणों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, लवण तुल्य, दूसरा के पास में सहसंयोजक, धात्विक और बहुलकीय, ठीक है। फिर आपके पास में आता है
इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ये जल के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं, आपके पास में हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, AlCl के साथ में क्या बनाते हैं, आपके पास में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनता है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है जो एक प्रबल अपचायक की भांति कार्य करता है, और प्रबल अपचायक होने के कारण वह कार्बोनिल यौगिकों का क्या करता है, उनका अपचयन कर देता है, यानी कि आपके पास में जो कार्बन कंपाउंड है उसमें आपके पास में H2 का योग करके और आपके पास में एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। इसी के साथ में ये कैसे होते हैं, आपके पास में आयनिक प्रकृति के होते हैं, ठोस होते हैं, क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं, और आपके पास में जो क्षार धातु के हाइड्राइड हैं जैसे आपके पास सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, इनकी संरचना NaCl के समान आपके पास में कैसे होती है, NaCl के समान FCC के अकॉर्डिंग होती है, और आपके पास में जो कैल्शियम हाइड्राइड है उसकी संरचना आपके पास में विकर्त SCP के अनुसार होती है। ठीक है, आगे बात करें आपके पास में यदि इनका अगर आपके पास में सोडियम हाइड्राइड है या आपके पास में क्षार धातु के हाइड्राइड हैं, इनका वैद्युत अपघटन किया जाता है तो आपके पास में जो धातु है वो आपके पास में कहाँ होगी, आपके पास में जो आपके पास में मेटल M+H- है माइनस, आपके पास में कहाँ प्राप्त होगा, एनोड पे, और आपके पास में क्या होगा, कैथोड पे। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग के पास में फिर अपने पास में आता है इसके गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज है और इसकी संरचना। ठीक है, आगे के पास में जो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, आज के लिए इतने पर्याप्त, धन्यवाद।